फाइनली हम जोकर को गुड बाय करते हुए दोबारा फार्म की तरफ जाएंगे। आप देखें हम लोग की हालत क्या हो रही है। 11 बज रहे हैं, असवान वहाँ वेट कर रहा है, सरदार, असल हमारा सरदार फाइनली आखिरी प्रीमियम कलेक्शन में हमारा सरदार था जो अब जा रहा है। ये साईं भी हमारे साथ आए हुए हैं, बस अब सरदार की रवानगी का इंतज़ार है। अब हम निकल रहे हैं फार्म, जिसका सबको इंतज़ार था सरदार बाहर निकल गए। अभी इनकी सर्विस करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं सरदार का नहला हुआ। नहाने के बाद तो जानवर का रूप ही निकल आ जाता है। देखें कैसा माशाल्लाह ज़बरदस्त लग रहा है। सरदार पे भी पानी पड़ेगा, शैम्पू लगाओ भी सरदार को। यार साईं बछड़े का रूप निकल गया। हाँ माशाल्लाह अंडा हो गया, अंडा अंडा हो गया, मलाई यूनिक प्रिंट है माशाल्लाह, बहुत अच्छा गुलाबी में अच्छा प्रिंट है माशाल्लाह। बकरों का ड्रिंकिंग टाइम हुआ जाता है। अभी गर्मी बहुत है यार, गर्मी बहुत है तो सारे मालों को तकरीबन प्यास बहुत लग रही है। नूरेलेन क्या कर रही हूँ? सदक को दिखाएगा, बता दो डोनट खा रही हूँ। ये हमारी सीगल एंजॉय करती थी। हेलो सीगल, ये पता नहीं कहीं से झुंड से आई थी, ये अब चली गई है और हमारे पास ही आ गई। माज लेट गए सरदारनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह रूप अब निकला इसका। क्या क्या लाए हो? क्या घी गले का मोरा ये भाई साहब तैयार हो रहे हैं, क्योंकि अभी ये इनकी लोडिंग होने वाली है, अभी बस 5-10 मिनट बाद। हाँ मैं वीडियो बना दूँ फिर इधर चल लो बच्चा। आखिरी क्यों है भाई? इधर आखिरी है ना, इधर आगे ना। वो भी तो आगे देखना, मैंने उसका बचा दे खेच के तीन है लगा तो सही।
माशाल्लाह भाई आ गई, जबरदस्त लग रही है। रोना नहीं भाई, भाई रोना नहीं है ये। अबे माशाल्लाह माशाल्लाह भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसा लग रहा है आसमान भाई? आसमान मेरी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। साढ़े बारह बज रहे हैं और माशाल्लाह देखें फार्म पे गहमा गहमी है। बस ये आखिरी के दिन होते हैं जो कि सब एंजॉय करते हैं। सभी सरदार को, बस सरदार का मतलब आ जाए उससे फिर सरदार को ले जाएंगे हम। माशाल्लाह देखें रौनक देखें फार्म पे, आधी रात होने को आई है लेकिन फार्म पे हुजूम है। और माशाल्लाह सरदार के तो क्या कहने हैं, ज़बरदस्त लग रहा है माशाल्लाह। हाँ भाई मामा सरदार को लेने जा रहे हैं, माशाल्लाह से 1.5 साल पाला है सरदार को। हाँ क्या दास हो रहा था मामा, थोड़ा बता दें भाई। बरम में, हाँ डायरेक्ट बरम में मैं लेके चलूँगा, ज़बरदस्त। भाई इसका बैच का है? नहीं नहीं वो उसका वो बैज यार सरदार वाला। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, लाइट ऑन कर यार। आगे पीछे पहले खड़े हो सारे, आगे पीछे खड़े हो सारे, जल्दी आओ भाई, बुलाओ बंदे को आगे पीछे खड़े हो, खड़े हो ना साइड में, खड़े हो दूसरा भी है जानवर जा रहे भाई है फार्म से जा रहा है। चलो भाई अल्लाह हाफिज। टाइम करीबन 1:45 का हो रहा है और अभी ये सरदार के ट्रक के हम पीछे, सरदार भाई इसमें इस ट्रक में बस। और अभी हम यहाँ तकरीबन जमाली पुल पे पहुँचे, 2:30 बजे तक तकरीबन हम खारादर पे पहुँचेंगे। इसकी फिर अनलोडिंग आपको दिखाते हैं, थारू कैटल पे से लाइव भी आएंगे और दिखाते भी आपको। इस मजदा में सरदार है। अभी हम लियारी एक्सप्रेस वे पर चढ़ गए, ट्रक तो पीछे रह गए, हम लोग जाके वहाँ मामला देखें, सेटिंग वगैरह करें, फिर सरदार को सही से उतारें। तो बज गए तकरीबन 2:15 तक हम लोग खारदर में होंगे इंशाल्लाह। फाइनली सरदार अपने घर पे आ गया और बस इसके उतारने का इंतज़ार है, बाकी ब्लॉग जो है वो महत कंटिन्यू करेंगे। सर,
मैं तो पीछे क्यों हुआ? अस्सलाम वालेकुम। सरदार को उतारने के बाद हम बोर्ड बेसन आए हुए, सुबह से कुछ नहीं खाया था, अनलोडिंग पे अनलोडिंग चल रही है। ये सारे लड़के अपने साथ आए हुए, फ्रंटियर पे बैठेंगे और आप खाना खाते हैं। आसान भाई, सरदार कैसा लगा? नहीं आ रहा भी यकीन यार, कैसा आदमी है यार, कैसा आदमी है। हमसे क्या दिख रहा हूँ, अनलोडिंग करते हुए हो गई, हमारे जिगर के टुकड़े जा रहे हैं, हमसे क्या पूछे जा रहे हैं। आंसू निकल रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं। आपकी कुर्बानियाँ कबूल करें और कुर्बानी के अमल तक इनको फला फुलाए और आमीन। क्योंकि भाई घर जाके थोड़ा तंग करते हैं एक दो दिन, लेकिन फिर सेटल हो जाते हैं। ठीक है आप चले, अब आप सो जाएं, आप लोग 4:30 बज गए, हमारी तो नींद आराम है। मौसम चेक करें, 4 बज रहे हैं, पेपर जो आ गया लगता है फाइनली, अभी हल्की हल्की फवार भी पड़ रही है, शुरू हो गई।